हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप कि आप सभी एकदम से सही सलामत हो गए और यहाँ पर मैं भी मस्त बिंदास हूँ। तो गाइस, आज हम करेंगे कंपैरिजन होचिमिन और हनोई का। तो कौन सी सिटी बेस्ट है फॉरेनर के लिए, लिविंग के लिए, काम करने के लिए, इस चीज़ में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ज़रा वीडियो को पूरा देखना, छोड़ना मत बीच में। अगर कोई हमारा नया व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रख दो और घंटी ज़रूर दबा देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हनोई का कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं और ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे है कि अगर खाने पीने का हम बात करें, तो खाने पीने का अगर आप खुद से बनाते हो, खाते हो, तो ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगा। आपका हम वियतनाम करेंसी में बात करेंगे तो 2 से 3 मिलियन के बीच में आपका हो जाएगा। मतलब ये अगर आप खुद से बनाते हो, अकेले हो, ठीक है। और अगर आप बाहर से खाते हैं तो आपका एक्सपेंसेस 8-9 मिलियन तक आराम से निकल जाएगा, अगर होटल में खाके रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो, ठीक है। और अब बात करते हैं रूम एकोमोडेशन की। अगर आप क्या कहते हैं हनोई में रूम वगैरह लेते हैं, सिंगल रूम लेते हैं जिसमें फुल फर्निश्ड हो, तो आपको 5 से 6 मिलियन के बीच में पड़ेगा हनोई में, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्या है। ट्रांसपोर्ट वगैरह का ग्रैब वगैरह, बाइक वगैरह हनोई में मिल जाती है, बहुत होती है, आप इजीली कर सकते हैं, या फिर आप बाइक रेंटल भी ले सकते हैं। अगर मंथली, अगर आप यहाँ पर काम करने आ रहे हैं तो मंथली के हिसाब से आपको 800 VND से 1500 VND के बीच में, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बाइक ले रहे हो, उसके अराउंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 800 VND कहने का मतलब मेरा 800K, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आपको करेंसी समझ ना आए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम होचिमिन की। तो होचिमिन में खाने पीने का खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। अगर यहाँ पर आपका 3 मिलियन में हो रहा है तो होचिमिन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। होचिमिन बड़ी सिटी भी है। होचिमिन में आपका 4 से 5 मिलियन अगर आप खुद से अरेंज करते हैं खाने बनाने वगैरह का, और अकोमोडेशन का भी, जो अकोमोडेशन हनोई में आपको 5 से 6 मिलियन का मिलेगा, होचिमिन में वो आपको 8 से 9 मिलियन तक मिल जाएगा। तो इतना फ़र्क रहता है होचिमिन और हनोई का, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह का सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का भी सेमी सिस्टम है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ है थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा हनोई के कंपैरिजन पे। और अब बात करते हैं ट्रैफिक सेफ्टी वगैरह की। तो अगर हम बात करें हनोई की, हनोई में ये समझ लो आपकी 30% लोग तो हेलमेट लगा के घूमते ही नहीं है। वैसे ही बाहर अगर लगाते भी है तो टोपी सी ऐसी होती है, कैप होती है ना, उसको लगा के घूमते हैं। कभी क्रैश वगैरह हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो समझो गए काम से। तो हनोई में बहुत बुरा हाल है इस चीज़ के बारे में। अगर आप साइगोन में जाते हैं तो साइगोन में आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साइगोन में लोग हेलमेट पहन के बाहर जाते हैं, और जो ट्रैफिक लाइट वगैरह भी होती है ना, उसमें रूल्स को फॉलो करते हैं। जब रेड लाइट हो रही तो रुकते हैं। हनोई में तो कभी ऐसा होता है कि भाई आधी जनता तो, अगर रेड लाइट हो रखी है, आधी जनता तो फिर भी भागते रहती है। तो ये सब आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इस हिसाब से होचिमिन बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर रूल्स वगैरह फॉलो अच्छे से होते हैं। अगर ऐसी भागदौड़ मचाई तो वहाँ पर चलान वालान ढंग से हो जाते हैं। दूसरा, होचिमिन में बहुत जगह में आपको ट्रैफिक वगैरह में क्रॉसिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होता है, वहाँ पर आपको बटन वगैरह लगा होगा, जो पिलर होता है ना ट्रैफिक लाइट का, वहाँ पर बटन होगा, तो उसको ऑन करके आप थोड़ी देर के बाद अपने आप लाइट रेड हो जाएगी और आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। हनोई में भी कुछ एक जगह में इंस्टॉल कर दिया गया है ये सिस्टम, मैंने सुना, कोई एक बोल रहा था मुझे कि हनोई में भी हो गया है, दैट्स वर्किंग वेरी वेल। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि दोनों जो सिटी है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली ट्रैफिक रहती है। अगर कोई बंदा मानो बूढ़ा बुजुर्ग वगैरह क्रॉस कर रहा है, उसको तो पेलते हुए ही निकल जाएंगे लोग, इतना बड़ा बुरा हाल है यहाँ का ट्रैफिक का। और कुछ दिन पहले तो मुझे भी किसी ने ठोक दिया था पीछे से, बाइक वाले ने, स्लीपर था। और स्लीपर, ये बात आपको बता देता हूँ कि जो स्लीपर होते हैं वो हनोई हो, होचिमिन हो, उनसे बच के रहना। उनको, उनका भी बेचारे का गलती नहीं है, क्योंकि काम ही ऐसा बना रखा है, जो भी ये फूड सेंटर वाले है ना, ये क्या करते हैं, हम 30 मिनट में डिलीवरी देंगे। अब बाहर जाम लगा है, कुछ भी लगा है, अब स्लीपर यार कैसे जाएगा? स्लीपर लेट से जाएगा तो स्लीपर का पैसा काटेंगे, वो सो लेना देना, वो बातें सुनेगा। तो इस चक्कर में वो क्या होते हैं, भगा रहे होते हैं, भगा के या तो कभी खुद पिल जाते हैं या किसी को पेल के ले जाते हैं।
तो ये सिस्टम रहता है, ये तो इंडिया में भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, हर जगह का सेम सिस्टम है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना क्रैश वगैरह से। अगर आप वियतनाम आ रहे हो खुद राइडिंग वगैरह करना चाहते हो तो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग भी थोड़ा सा खतरनाक तरीके से ड्राइव करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है दोनों सिटी में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बात करते हैं अब लिविंग के लिए, अगर आप हनोई में रहते हैं तो अगर आप एज ए इंडियन, तो होचीमिन में बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं होचीमिन में, और हनोई में उतने ज़्यादा इंडियंस नहीं है जितने होचीमिन में। तो अगर आपको गेट टुगेदर वगैरह करना अच्छा लगता है तो हनोई में बहुत मुश्किल से हो पाएगा, होचीमिन में आपके लिए इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो फेस्टिवल टाइम वगैरह होता है तो फेस्टिवल वगैरह में होचीमिन में ज़्यादा क्राउड होता है, होचीमिन में मंदिर वगैरह भी है, कोई भाई पूजा वगैरह का होता है कि जिनको पूजा पाठ करना होता है तो मंदिर वगैरह जाना होता है। होचीमिन में मंदिर भी है, यहाँ पर नहीं है, हनोई में मंदिर नहीं है। तो इस चीज़ों को देखते हुए कि अगर आपको ये सब करना है तो भाई होचीमिन आपके लिए बेस्ट है। और अब बात करते हैं हम स्कूल वगैरह के लिए। अगर आप एज ए फैमिली, आप फैमिली पूरा फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं वियतनाम आ रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा सिटी बेस्ट रहेगा, हनोई या फिर होचीमिन? तो इसमें गाइस मैं होचीमिन ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि होचीमिन में बहुत सारे स्कूल्स वगैरह है, बहुत सारे वहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह रहते हैं, तो आपको वो इन्वायरमेंट ज़्यादा बेटर लगेगा हनोई के मुकाबले, क्योंकि हनोई में ज़्यादा इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह नहीं है, है भी है तो फीस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, और उतने अच्छे स्कूल हनोई में आपको नहीं मिलेंगे जितना साइगोन में मिलेगा। साइगोन में क्या है कि साइगोन मीन होचीमिन, किसी को साइगोन नहीं पता होगा, तो साइगोन और होचीमिन एक ही सिटी है, पहले साइगोन नाम हुआ करता था, बाद में होचीमिन नाम पड़ गया। तो होचीमिन बेस्ट रहेगा, क्योंकि होचीमिन में बहुत सारे ऑप्शंस है, और अगर आप नए हैं तो लैंग्वेज वगैरह से भी होचीमिन में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी सिटी है, काफ़ी पहले डेवलप हो चुकी है, और हनोई में उतना नहीं होगा, हनोई में भी काफ़ी हद तक लोग बोल देते हैं, लैंग्वेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा फैमिली के लिए होचीमिन बेस्ट है। तो इतना ही इस वीडियो में, अगर कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई भी और कंपैरिजन आपको चाहिए होगा इन दोनों सिटी में, तो कमेंट में मेरे को बताना, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूंगा। तो इतना ही है इस वीडियो में, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।